जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माहर ब्लॉग 110। कल मैं गया हुआ था आउट ऑफ सिटी, आपसे वीडियो शेयर भी की थी अहमदपुर से चक नौरंग जहानिया दरबार पर। तो वापसी पे कुछ तबीयत नासाज हो गई, तो आज सुबह मैं एक दोस्त को डॉक्टर के पास चेक करवाने जा रहा था, तो रास्ते में मच्छर ने आँख पर ऐसा प्यार किया जे ये देखें आँख में इतनी रेडनेस हो गई है, पता नहीं नज़र लग गई है, पता नहीं क्या हुआ। आप लोग खसूसी दुआ करें मेरे लिए। असल में मैंने कल लिया न्यू मोबाइल आईफोन, तो आज ये आईफोन से मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह रूटीन बाकी आपसे शेयर करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल कल ले लिया था न्यू, और अब इसका प्रोटेक्टर और इसका बैक कवर डलवाने हैं। मैं माल प्लाजा पार्किंग में पहुँच गया, गाड़ी पार्क कर दी है। अब माल प्लाजा के अंदर इंटर होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह माल प्लाजा का अंदर की व्यू भी आपको दिखाते हैं। प्रोटेक्टर चढ़वा लिया, ये देखें मार्केट के ना अंदरूनी मनाजिर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मार्केट बनी है। 3 फ्लोर पे मुश्तमिल है ये माल प्लाजा कैंट, हर तरह की एक्सेसरीज मोबाइल आपको यहाँ पर मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्टर और बैग पाउच वाला काम ओके हो गया, तो अब हम कैंट की तरफ जा रहे हैं। चाय पीने का प्लान बन गया क्योंकि आज पूरा दिन हो गया चाय नहीं पी हमने। कल शाम के टाइम मैंने लिया था आईफोन, तो उसकी सेटिंग करते करते रात 2 बज गए, फिर कुछ सेटिंग आज सुबह की है। अब माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गया है, इसकी वर्किंग स्टार्ट है। अब ये इस टाइम हम माल प्लाजा से होके कैंट के कैंट रोड पे हैं, थाना कैंट वाले रोड पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रूटीन आपसे शेयर करता रहूँगा। कैंट सब्ज़ी और फ्रूट शॉप से गुजर रहे हैं, ये पूरी शिफ्ट का शॉप है, और ये सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है, और कुछ ही मसाफत पर क्वेटा कारी प्यारा प्याला होटल पर पहुँचने वाले हैं। ये देखें क्वेटा कारी प्याला होटल पर पहुँच गए, हम चाय पीते हैं फिर आपसे रूटीन शेयर करते हैं। खान साहब हमारी चाय डाल रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ की चाय बहुत ही खूब ज़बरदस्त है, इनकी चाय ना पिए तो हमारा सर का दर्द नहीं जाता, बहुत ज़बरदस्त चाय बनाते हैं ये। ये देखें खान साहब खड़े चाय बना रहे हैं, शक्कर वाली चाय, सिंपल चाय, कहवा, सब कुछ यहाँ मौजूद है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय आ गई है, जिस बहन ने चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएँ क्वेटा कारी होटल पर, हम मौजूद हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीने के बाद दोस्त की शॉप पे आ गया हूँ, दोस्त जो है वो इस वक्त कटिंग में मसरूफ़ है, कटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी कटिंग करता है ये मोहम्मद बख्श भाई जी। भाई ने पहले कटिंग की है और अब शेव कर रहे हैं, माशाल्लाह इनके हाथ में बहुत ज़्यादा सफाई है। ये लाहौर से आए हैं और लाहौर की कारीगर हैं माशाल्लाह, सारा है जितना इन्होंने काम किया लाहौर में किया है। अस्सलाम वालेकुम बख्श भाई, क्या हाल है, तबीयत से ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम भाई, नाम सुनाओ, कैसे कैसे? अल्लाह का शुक्र दुआएं। मैं आपकी शॉप पे आया हूँ, तो उस टाइम आप काम में मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा भाई से थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें, इस कैमरे की तरफ देख के ज़रा बात करें ना, तो आपकी वीडियो बन रही है, लाइव जा रही है। अच्छा आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर शॉप पर काम करते हुए? 7 साल। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, 7 साल हो गए भाई। अच्छा ये अपनी शॉप बनाई हुई 7 साल हो गए, तो बताएं क्या रूटीन है, कस्टमर की महंगाई इतनी है, क्या कस्टमर पैसे देता भी है या नहीं देता? भाई महंगाई इतनी हुई पड़ी है, कस्टमर पैसे नहीं देता, बहस बहुत करते हैं महंगाई की वजह से, आवाम रो रही है, तो उसकी वजह से आवाम बिल इतने आ रहे हैं, आवाम परेशान है। अच्छा ये बताएं, ये आपने 2 चेयरें इधर लगाई हुई हैं, 2 चेयरें सामने लगाई हुई हैं, तो इसका क्या कितने आपके पास 4 कारीगर हैं? हाँ जी भाई। तो आप इनका खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? 4 कारीगर को दिहाड़ी भी देनी है, दुकान का किराया भी निकालना है, उसके अलावा बिजली के बिल्स वगैरह हैं भाई जान, हम तो पूरा कर नहीं सकते, अल्लाह ही पूरा कर रहा है भाई जान। अच्छा ये बताएं कि आप कटिंग के कितने पैसे लेते हैं और शेव के कितने पैसे लेते हैं, सेटिंग के कितने पैसे लेते हैं? कटिंग के 100 रुपये ले रहे हैं। अच्छा 80 रुपये शेव के ले रहे हैं। ठीक है, सेटिंग करने का कोई दे देता 80 दे देता, 100 150 दे देता। फिर तो आपका रेट बहुत माकूल है, अगर आप कैंट चले जाएं तो इधर गुलगज चले जाएं, वहाँ पर सिर्फ कटिंग कटिंग के 1000 रुपये लोग भर रहे हैं। ऐसे ही ठीक है,
तो इस दफ़ा आपका बिल कितना है? हमारा बिल तकरीबन 12,000 रुपया है। 12,000? बख्श भाई बता रहे हैं कि मेरा बिल जो है ना 12,000 है, जबकि सिर्फ दो पंखे और चंद एक लाइटें यहाँ चलती हैं। मेरे ख्याल अभी बख्श भाई ने यहाँ पर एसी भी नहीं लगवाया हुआ। एसी लगवाने का सोच था। अच्छा, इतने आ रहे हैं कि सोच नहीं सकते कि एसी लगवाएं कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 7 साल हो गए हैं, इतनी महंगाई आपने कभी लाइफ में नहीं देखी जितनी महंगाई अब कुछ सालों में हुई है। तो आप लोगों को और हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम तो कहते हैं यही महंगाई कम करते हैं। अच्छा, चीनी 200 रुपये किलो चली गई आज, मेहरबानी करें। हाँ, बख्श भाई बता रहे हैं कि मैं हुकूमत को मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये चीनी, राशन, इसके अलावा बिजली के किराए, बिल्स वगैरह, ये सब कम करें ताकि जो हमारा गुजर बसर है ना वो सही हो सके। बख्श भाई की बात बहुत अच्छी है क्योंकि इतने अखराजात हो गए हैं, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं और जो ख़र्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्या ऐसा ही है? ऐसे ही भाई। तो अब आपने क्या सोचा हुआ है कि कारीगर कम करेंगे या अपना रेट बढ़ाएंगे? रेट तो बढ़ा नहीं सकते कि महंगाई इतनी है, कारीगर कम करने पड़ेंगे। तो मेरा मशवरा, मेरा ख्याल यही है कि आप जो पीछे वाली दो चेयरें आपने रखी हुई हैं ना, इनको अभी फ़िलहाल ख़त्म बेशक ना करें, इनको रहने दें यहीं पर, जो कारीगर कम कर लें और ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है आप इसको रनिंग में रखें। अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला है, तो कभी वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, कभी हिम्मत ना हारिएगा और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये अपना आपके सलून किस नाम से है? ये बख्श भाई का सलून जो है वो ये न्यू हेयर सलून डबल फाटक रेलवे ब्रिज के साथ है। जिस भाई ने आना हो तो ये भाई खसूसी मोहब्बत करेंगे उनके साथ, उनका काम बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक इनकी रिज़्क में इजाफा फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रूटीन आपसे शेयर करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ने शॉप बंद कर दी और हम इस टाइम बाबा फरीद पान शॉप कोल्ड ड्रिंक पीने हैं। माशाल्लाह इनकी बोतल बहुत ठंडी होती है और ज़बरदस्त फ्रेश कोक होती है। ये भाई मोहम्मद वक्त भी सामने खड़े हैं, बोतल पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जिस भाई ने बोतल पीनी है तो मोस्ट वेलकम आ जाए। इसलिए मेडिकल स्टोर पे आ गए हैं और आँख में जो सुबह मच्छर गया था ना उसकी मेडिसिन लेने आए हैं। आँख का बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। इस वक्त मैं अल्करीम मेडिकल स्टोर डबल फाटक पर मौजूद हूँ। ये भाई को मैंने कहा है कि मेडिसिन दे दें, भाई मेडिसिन दे रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन ले ली है तो अब हम जा रहे हैं घर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।